नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 6 की भूगोल के एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे थे। आप लोगों ने उसको देखा, पढ़ा, सुना, नोट्स भी बनाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है लाभ भी मिला होगा आपको। वो एनसीईआरटी हमारी खत्म हो चुकी है। आज हम कक्षा 8 की भूगोल की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि कक्षा 6 की क्यों नहीं, तो कक्षा 6 की भूगोल की एनसीईआरटी वैसे नहीं है, पर्यावरण की है, तो वो हम बाद में पर्यावरण सेगमेंट के तहत उसको डिस्कस करेंगे। कक्षा 8 की एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान, ये देखिए लिखा हुआ है संसाधन एवं विकास, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, ये कक्षा 8 की है। उसके बाद में हम 7th की एनवायरमेंट के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इस एनसीईआरटी में, हम देखें तो ये चैप्टर 5 चैप्टर है, इसमें 6 चैप्टर है। अब इन 6 चैप्टर्स में पहला है संसाधन, इस चैप्टर्स को हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें संसाधन का कंसेप्ट समझ में आएगा। दूसरा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तीसरा है खनिज और शक्ति संसाधन। चौथा है कृषि और 5वां चैप्टर है उद्योग। और 6ठा चैप्टर और अंतिम चैप्टर है मानव संसाधन। ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सीधे प्रश्न तो आएंगे भी, और साथ में ये आपके लेखन, जैसे आप कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई आंसर लिख रहे हैं, उसमें ये ऐसे टर्म्स हैं जिनका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं और निबंध को प्रभावी बना सकते हैं, अपने आंसर को प्रभावी बना सकते हैं। खूब प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में भी, यूपीएससी मेंस जब आप लिखेंगे वहां भी ये छोटे छोटे टर्म आपको बहुत काम आएंगे। आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से जिसका नाम है संसाधन। यहाँ पे हम संसाधन समझेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहली समझ यहाँ पे ये होगी हमारी कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सारा नोट्स बना लीजिए। इसमें जो काम की चीजें हैं डिस्कस करने वाली वही हम करेंगे, जो ये कहानियां और हैं वो आप पढ़ लेंगे खुद इसमें से। और कारण ये है कि टाइम थोड़ा सा कम लगे, है ना, जिससे सारी चीजें कवर हो जाए। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे ये एक चर्चा है जिसमें मोना और राजू अपनी अम्मा से, अपनी दादी से पूछ रहे हैं कि संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे क्या होते हैं क्या, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है। देखो ये इतनी चीजें हैं, सभी में कुछ एक जैसा है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसीलिए वो उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता तथा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कोई वस्तु या पदार्थ हो अगर वो उपयोगी है या प्रयोग करने योग्य है तो उसको हम संसाधन कहते हैं। अब ये राजू के माध्यम से देखिए इसमें कहा गया है कि ये जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन बनती कैसे है, मतलब संसाधन कोई वस्तु कैसे बन जाएगी, कैसे कोई वस्तु संसाधन होगी। तो अम्मा से बात ये कर रहा है अपनी दादी से, तो उन्होंने बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है और इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। अगर प्रयोग होगा, उपयोगिता होगा तो वो मूल्यवान हो जाएगी। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, है ना, लेकिन सभी मूल्यवान वस्तुएं, ऐसा नहीं कि संसाधन ही हो, लेकिन सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ये अम्मा ने कहा। अब यहाँ पे समझना ये है कि मूल्य का अर्थ क्या है, मूल्य का अर्थ और उसका महत्व क्या होता है। तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य हो सकता है और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई सोना, चांदी, धातु है तो वो आर्थिक रूप से महंगी होती है, लेकिन अगर आप देखने में कोई चीज बड़ी मनोरम दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, तो ये मनोरम भूदृश्य आर्थिक मूल्य इसका नहीं होता है, लेकिन ये दोनों संसाधन है और बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ये। अब कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि आपकी दादी के घरेलू नुस्खे कि आपको गैस बन रही है, एक हम उदाहरण दे रहे हैं, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, तो कहते हैं लोग कि हींग और नमक, अजवाइन अगर आप ऐसे फांक के पानी पी लें गुनगुना तो सही हो जाता है। ये वैसे संसाधन नहीं है, लेकिन अगर इसी की अभी दवा बना दी जाए और इसका पेटेंट ले लिया जाए, है ना, तो ये संसाधन हुआ। अब ये एक शब्द आता है कि पेटेंट, तो पेटेंट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। एनसीईआरटी की सबसे खास बात है कि इसमें कुछ छोड़ता नहीं है। आप जब कोई कोचिंग का नोट या अपने आप नोट्स बनाते हैं कहीं से, बड़ी किताबों से, तो छोटी छोटी बातें कई बार छूट जाती हैं, और यहाँ पे सारी चीजें देखिए दी होती हैं। अब पेटेंट के बारे में देखिए इन्होंने कितनी बढ़िया बात, छोटे शब्दों, कम शब्दों में छोटी सी परिभाषा दे दी है। इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। यानी जैसे कोई विचार है, विचार आपने दिया या कोई आपका आविष्कार है,
तो पेटेंट का अर्थ है कि आपका ही उस पर अधिकार हो गया, उससे जो भी लाभ होगा, अब वो संसाधन है अगर, तो उससे लाभ भी होगा, उसका आर्थिक मूल्य होगा, या आप उसके से फेमस हो सकते हैं कि भाई इन्होंने ये काम किया, तो वो पेटेंट इसी चीज को बोलते हैं कि उस पर आपका एकाधिकार है। तो एकाधिकार से तात्पर्य होता है पेटेंट से। आगे हम देखते हैं कि समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं, समय और प्रौद्योगिकी ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। इन दोनों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं, ये दोनों सॉरी लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं, और लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम लोग भी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, अगर हम ही ना हो तो कोई संसाधन संसाधन कैसे बनेगा। ये लोगों के विचार ज्ञान आविष्कार की खोजी हैं, और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, प्रत्येक खोज तथा आविष्कार के से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों, आज आप कार में, आज आप ट्रेन में, आज बहुत सारे संसाधनों के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे घंटों में पहुंच जाते हैं, हजारों किलोमीटर आप चले जाते हैं। लेकिन अब ये आप एक चीज ये सोचिए कि अगर पहिया ना बना होता तो क्या होता, तो आविष्कार क्या था, पहिया, और वो संसाधन आज कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी भी ऐसे ही थी, आज जल अगर 1 मिनट के लिए लाइट 1 घंटे के लिए चली जाती है तो लगता है कि जीवन तो तबाह हो गया, ठीक है ना। तो ये सब कितने महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसको महत्वपूर्ण किसने बनाया, प्रौद्योगिकी ने, और समय के साथ साथ इनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, घटती भी है बहुत बार, है ना। जैसे उस समय का संसाधन पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, लेकिन बैलगाड़ी की वैल्यू अब घट रही है, अब उनकी जगह पे नई नई चीजें, ट्रैक्टर ट्राली आ गया, ट्रक आ गए, है ना। एक देखिए शब्दावली कह रहे हैं कि समय और प्रौद्योगिकी, तो समय तो आप समझ ही रहे हैं, टाइम की बात हो रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी क्या होती है, तो प्रौद्योगिकी के बारे में देखिए यहां बताया गया है कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का जो अनुप्रयोग होता है, यानी कि जो नवीनतम ज्ञान है उसका अनुप्रयोग हम किसी वस्तु को बनाने में या कौशल को, यानी कोई हुनर को विकसित करने में करते हैं, तो उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे देखो ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इसलिए मैं भी एक संसाधन हूं, तो इनकी ये दादी मम्मी जो भी है ये कहती है कि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि इसका अपना मूल्य है ना। संसाधनों के प्रकार आइए देखते हैं। तो संसाधन बिल्कुल ये आसान बात है, आप सब लोग जानते हैं, आसपास देखते भी रहते हैं। तो संसाधन अगर वर्गीकृत किया जाए तो प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी मानव एक स्वयं संसाधन है और एक प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति ने हमको दिया है, और तीसरा मानव स्वयं संसाधन और एक होता है मानव निर्मित, ठीक है ना। तो ये तीनों हम देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं ये प्राकृतिक संसाधन, कि ये प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन है जो प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना हम उपयोग कर लेते हैं। अब जैसे जिसमें हम सांस लेते हैं, तो सीधे हम सांस लेते हैं। अब ये नहीं, यहां पे एक तर्क ये दिया जा सकता है कि आज तो ऐसा समय आ गया कि फिल्टर करके सांस ले, वो अलग बात है, वो प्रदूषण की समस्या है, लेकिन हम सांस तो नेचर ने हमको पहले ऐसे ही उपलब्ध कराया था ना, प्रकृति ने ऐसे उपलब्ध किया, जैसे हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है, तो ये प्रकृति हमको प्रदान करती है, और ये प्रकृति की तरफ से दिए गए निःशुल्क उपहार है, इसके लिए प्रकृति कोई हमसे फीस नहीं लेती है ना, और सीधे ही इसको हम उपयोग करते हैं। और प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। अब जैसे पहले हम ये समझा क्या रहा है कि पहले हम खेती करने के लिए खेत तो वही था, उसका उपयोग करते थे, लेकिन बैलों से जुताई करते थे, हाथ से कुदाल से जुताई उसकी गुड़ाई करते थे, लेकिन आज क्या हो गया है, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर में भी अब अच्छे अच्छे आधुनिक हल आ गए हैं, रोटोवेटर चलाते हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उसके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्यम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, एक वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभावित संसाधन। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या बताया गया है, वास्तविक संसाधन क्या है और संभाव्य क्या है। तो वास्तविक संसाधन आइए देखते हैं। तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, और इन संसाधनों, तो जो भी मात्रा जिनकी ज्ञात होगी, तो ज्ञात मात्रा वाले संसाधन यानी जिनकी मात्रा ज्ञात होती है ना। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी से भरपूर निक्षेप, सभी वास्तविक संसाधन, क्योंकि पता है कि ये यहाँ यहाँ है। अब संभावी क्या होते हैं, जिनके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है, आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो ये ऐसे संसाधन है, संभावी क्या होते हैं, जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका उपयोग प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जाएगा, संभावना है कि ये संसाधन आगे बढ़ेंगे।
इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वो संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है, तो धीरे धीरे देखिए डेवलपमेंट करेंगे, फिर हम नई नई चीजें हर बार तो आती हैं भाई। पहले हम बल्ब जलाते थे, बल्ब के बाद में CFL आया, CFL के बाद LED, अब कुछ समय रुकिए फिर देखिए क्या आता है, LED का भी कोई बाप आएगा। तो ये दक्षता बढ़ती जा रही है उससे, है ना। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। जैसे लद्दाख में यूरेनियम की संभावना है कि यहां मिला है, क्योंकि इसका उपयोग हम इस समय नहीं कर रहे हैं, भविष्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आगे देखें, 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवने एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज ये वास्तविक है। देखिए ये पवन चक्कियां हैं, इनसे क्या करते हैं हम, पवन चक्कियों से हम आसानी से आज विद्युत पैदा कर लेते हैं, लेकिन 200 साल पहले ये ऐसा हम सोचते थे कि करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे पवन फार्म हमारे तमिलनाडु के नागर कोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागर कोइल काहे के लिए प्रसिद्ध है, या कहाँ पाए जाते हैं पवन चक्कियां, कहाँ पाई जाती हैं ऐसे गुजरात के तट पर। तो ये प्रथम स्थान भी है, ये क्रमशः अग्रणी राज्य है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव, देखिए ये यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैव और अजैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैविक जहां भी आएगा समझ लीजिए उसमें जान है, अजैव यानी निर्जीव है उसमें जान नहीं है, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं, जैसे मृदा, चट्टान, खनिज अजैव संसाधन, इसमें जान नहीं होती है ना, मृदा में, चट्टान में, खनिजों में इसमें कोई जान नहीं होती है ना, है ना। परंतु जो पौधे हैं तो पौधे में देखो जान होती है, जीवित संसाधन है ये, तो जन पौधे और जंतु जैव संसाधन है। बहुत सही से याद रखिए, ऐसे पूछता है कि कौन सा निम्नलिखित में से अजैव संसाधन नहीं है, तो तीन जैव दे देगा, एक अजैव दे देगा, छांटना रहेगा आपको। ऐसे ही उल्टा प्रश्न भी हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में भी देखो बांटा जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप कभी भी लिखेंगे तो इन टर्म का आप उपयोग करेंगे। अब देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो ये वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित किए जा सकते हैं। नवीकरणीय यानी कि जिनको फिर से नया या पूर्ण किया जा सके, फिर से प्राप्त किया जा सके। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। अब ये आप कितना भी सौर ऊर्जा खर्च करें, आज खर्च करेंगे कल फिर आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन इसमें भी सीमित है। जैसे जल, पहले तो इसको नवीकरणीय माना जाता था लेकिन अब ये सीमित हो रहा है। मृदा और वन, लापरवाही से इसका उपयोग किया जाएगा तो ये भंडार इसके प्रभावित हो जाएंगे, जल की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। पवन संसाधन भी पवनों की भी कमी हो सकती है, स्पीड अभी कम हो जाए तो मृदा में उर्वरता नष्ट हो सकती है, है ना, उसकी उपज जो उसमें होती है वो कम हो सकती है, खत्म हो सकती है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब हम आगे देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है, ऑलरेडी ये कम ही है जिनका भंडार सीमित है, और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीकृत करना या पुनः पूरित करने में हजारों साल लगते हैं, यानी कि एक आदमी तो अपने लाइफ में उसको पूरा होते नहीं देख सकता है। हम लोग 100 साल भी अब नहीं जीते, 50, 60 साल, 70 साल जीते हैं, 100 साल पहले माना जाता था। तो इस प्रकार ये संसाधन अनवीकरणीय होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, हजारों साल प्रक्रिया होती है, पेड़ पौधे वनस्पतियां दबते हैं जमीन के नीचे और वहां पे ये सड़ते हैं, गलते हैं, उसके बाद ही बनता है, तो हजार साल तो हम, तो इनको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। संसाधनों के वितरण के आधार पर अब देखिए अगला ये डिवीजन कर रहे हैं, सर्वव्यापक और अस्थानिक भी अथवा अस्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सर्वव्यापक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप यकीन मानिए एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। NCERT आप पढ़ के तो देखिए एक बार। तो ये जैसे हम सांस लेते हैं तो ये सब जगह उपलब्ध है ना, ऐसी कोई जगह तो है नहीं पृथ्वी पर कि जहां हम सांस, अब वो अलग समस्या है, आप ये ना कहिए कि नहीं वहां तो बड़ी दिक्कत है, तो वो अलग समस्या है, वो हमने पैदा किया है, लेकिन ये है वास्तव में सर्वव्यापक। और जैसे कुछ निश्चित स्थान पर पाया जाए, तांबा, तो तांबा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाएगा या जम्मू कश्मीर में उतना नहीं पाया जाएगा जितना कि राजस्थान में पाया जाएगा। तो राजस्थान एक, मतलब कहने का मतलब एक जगह विशेष पे इसका खनन किया जाएगा, लोहा भी हर जगह तो नहीं पाया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, और पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान हो जाता है। अब देखिए संसाधन का भंडार, इन्होंने एक शब्दावली दी है, या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है, यानी कि जो भी उपयोग करने के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है उसको हम संसाधन का भंडार कह देते हैं कि ये भंडार है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मानव निर्मित संसाधन की अब हम बात करते हैं।
तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय संसाधन नहीं था जब तक उससे हमने लोहा बनाना नहीं सीखा था, और लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन है। अब पुल प्रकृति ने तो नहीं बनाया, लोहे का हमने उपयोग किया, लेकिन पुल बनने के बाद, सड़क बनने के बाद, मशीन बनने के बाद, वाहन बनने के बाद ये नया संसाधन हो गया। इसीलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ये बेस तो होते हैं प्राकृतिक संसाधनों पे, लेकिन मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ठीक है ना। आगे मानव संसाधन के हम बारे में बात करते हैं, तो लोक और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। और इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, इसलिए मानव संसाधन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मानव ही संसाधन नहीं होगा तो ये सारे संसाधन कैसे उपयोगी बनेंगे। भाई लोहा तो बहुत दिन से पृथ्वी के नीचे दबा था, लेकिन लोहे से आज इतनी मजबूत स्टील बनाना है ना, उसका खनन करके इस रूप में परिवर्तित करना, ये मानव ने किया। तो लोग मानव संसाधन है। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। अब हर व्यक्ति एक समान नहीं होता, कोई ज्यादा कुशल संसाधन है, कोई ज्यादा बड़ा संसाधन है। जो जितना अपने को ज्यादा कुशल बना ले जाए, जितना कौशल होगा उतना ही ज्यादा वो संसाधन कुशल हो जाएगा। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास। तो हमारे यहाँ देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है, ठीक है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या करता है, हमेशा कहते हैं कौशल विकास मिशन, ये उच्च शिक्षा, ऐसी शिक्षा, ये सब जारी किया करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सूखे कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। अगर ये समाधान निकालेगी तो जाहिर सी बात है संसाधन बन जाएगी, हाँ क्यों नहीं। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। आगे हम देखते हैं, इसमें देखिए कुछ चीजें और साइड में दी होंगी, आप देख लीजिएगा, है ना, और ये इंपॉर्टेंट होती हैं। हम यहां पे अब देखते हैं कि संसाधन का संरक्षण। अब सबसे जरूरी बात यह है कि संसाधन तो बन गया, लेकिन अगर उसका हम अंधाधुंध उपयोग करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे वायु की समस्या, जल की समस्या, शुद्ध वायु की समस्या, वायु की वैसी समस्या नहीं है, तो ये सारी चीजें। अब यहां एक उदाहरण दिया है कि मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा, उसमें देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ से सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है। तो अम्मा ने कहा, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति, देखिए उत्तर देखिए कि अगर हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति ऐसे ही सतर्क नहीं रहते तो क्या होगा, वो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। तो राजू ने अब कहा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, यानी समय दोगे तभी तो वो फिर से अपना कवर कर पाएगा। तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे हम खर्च उतना ही करें, जैसे हमारी तनख्वाह है मान लीजिए 20,000, और 20,000 रुपये हम कमाते हैं और हर महीने हम खर्च अगर कर डालें 22,000, तो क्या हो जाएगा, हम कर्जदार हो जाएंगे, कर्जे में डूब जाएंगे। लेकिन हम क्या करें, जब तक नई तनख्वाह आए उसके पहले हम 10,000 खर्च कर रहे हैं और 10,000 बचा ले रहे हैं, तो हर बार हमारा संसाधन या आर्थिक संसाधन बढ़ता चला जाएगा। ठीक वैसे ही तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब ये देखिए, ये टर्म जो है सतत पोषणीय विकास, ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको कई नामों से जानते हैं, शाश्वत विकास, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो ये इसका अर्थ आप यहां पे, मैं यहीं पे समझाया दे रहा हूं कि जब हम भविष्य की चिंता करते हुए, आगे की पीढ़ी की चिंता करते हुए किसी संसाधन का उपयोग करते हैं तो उसे शाश्वत विकास या सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी कि हम संसाधन का उपयोग उतना ही करें कि हमारा काम चल जाए और भविष्य के लिए भी, हमारे अगली पीढ़ी के लिए भी बच जाए, उसको ऐसा ना खत्म कर दें कि आगे अगली पीढ़ी के लिए कुछ ना बचे, ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा इसमें योगदान दे सकता है। अंततः एक विभिन्नता बताता, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक कहानी है, आप ये पढ़िएगा। उसके बाद में अब देखिए इन्होंने दिया है कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, हमने तो 60 में आपको बताया था, अब ये इसको देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन,
और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। अब ये पॉइंट अगर आपको याद है तो किसी भी आंसर में आप मेंस राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं, एसे में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि इन लोगों ने जो बात की है तो उसमें यही सतत पोषणीय विकास करने की बात की है, और अब सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। ये कह रहे हैं कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो ये देखिए पॉइंट इससे निकले। इनके प्रश्नों को आप देखिएगा, अगले चैप्टर के साथ हम बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे और इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें थोड़ा ज्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि इसमें हमने पूरा बात किया कि क्या स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।